गाड़ी खड़ी तभी तो लगी, और क्यों लगती, और ये मेरे को मार रहे हैं। उतरिए नीचे, उतारिए। अब किसी ने मेरे को थप्पड़ मारे। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई नहीं साथ में। चलिए इधर इधर इधर, कोई ना चलेगा। कुछ ऐसा भी है, आपने कुछ ड्रिंक की हुई है या कुछ ऐसा, जैसे पब्लिक बता रही है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, तो आप ले आइए। क्यों ड्रिंक करेंगे? हमने कोई ड्रिंक नहीं करी, ना वो ड्रिंक करती है ना मैं ड्रिंक करती हूँ। अमृतसर नैशनल हाईवे ते रेंज रोवर च सवार अमीर घर दियां दो लड़कियां ने सड़क ते खड़ी कार नूं इन्ने जोर नाल टक्कर मारी कि कार दे पर खचे उड़ गए। कार च सवार परिवार दे मुखी कार चालक दी मौके ते ही मौत हो गई ते बाकी तीन गंभीर जख्मी हो गए। दस्सिया जा रहा है कि कुड़ियां ने शराब पीती हुई सी, इसलिए उत्थे खड़े लोगों ने लड़कियां दी कार नूं घेरा पा लिया। गाड़ी खड़ी तभी तो लगी, और क्यों लगती, और ये मेरे को मार रहे हैं। उतरिए नीचे, उतारिए। अब किसी ने मेरे को थप्पड़ मारे। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, कोई नहीं साथ। कुछ ऐसा भी है, आपने कुछ ड्रिंक की हुई है या कुछ ऐसा, जैसे पब्लिक बता रही है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, तो आप ले आइए। हमने कोई ड्रिंक नहीं करी, हमने ना बीच में क्यों ड्रिंक करेंगे? हमने कोई ड्रिंक नहीं करी, ना वो ड्रिंक करती है ना मैं ड्रिंक करती हूँ। मौके ते पहुंची पुलिस दोवां कुड़ियां नूं थाणे ले गई, पर तुसी देखो कि थाणे अंदर भी कुड़ियां दा रवैया किहो जिहा सी। प्लीज फोटो लीजिए, इनकी फोटो लीजिए प्लीज। क्या हुआ था वहाँ पे बताइए आप प्लीज। सर वहाँ पर हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे थे। रोड के बीच में अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसमें मैंने ब्रेक मारे थे, मैंने बहुत अच्छे से मारे थे। पुलिस के होते हुए पब्लिक ने मेरे को लातें मारी है, पुलिस ने मेरे को हार्म करा है, इसको हार्म करा है। बलविंदर जी का इसमें कोई हाथ नहीं था जी। आप कुछ ऐसा भी हुआ कि रास्ते में हाथापाई वगैरह हुई आपकी? हाँ। जी बताइए प्लीज, क्या हुआ था? पुलिस वालों ने इनको, जो नॉर्मल पब्लिक थे, उन्होंने इनको मारा था और पुलिस वालों ने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका था। ओके, तो कुछ ऐसी बहुत रेप्यूटेड फैमिली से आते हैं, ऐसे तो नहीं है। अब हमारी गाड़ी अगर होती 1-2 लाख की, तो आप ये सेम चीज कर रहे होते? जी बिल्कुल, आप कर रहे होते। आप कुछ ऐसा भी है, आपने कुछ ड्रिंक की हुई है या कुछ ऐसा, जैसे पब्लिक बता रही है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, तो आप ले आइए। हमने कोई ड्रिंक नहीं करी, हमने ना बीच में क्यों ड्रिंक करेंगे? हमने कोई ड्रिंक नहीं करी, ना वो ड्रिंक करती है ना मैं ड्रिंक करती हूँ। फैमिली से हैं, ठीक है, हमारी इज्जत है, हमारे माँ बाप की इज्जत है, हम क्यों उनकी इज्जत उठाएंगे? हम दोनों जाट है, हम दोनों ड्रिंक नहीं करते। हम मतलब अपने नॉर्मल गाड़ी चला रहे थे, कोई रोड के बीच में गाड़ी आके रोकेगा। हमने पूरी कोशिश करी कि ब्रेक लगाए हम, ठीक है। अब वो रोड के बीच में आके करे, मतलब अपनी गाड़ी एकदम से खड़ी कर। ऐसा 10 सालों में कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, आज क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? अब आप एक बात, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पे कैमराज होंगे जी, कैमराज होंगे। आप कैमरा से डाल सकते हैं, आप प्लीज कैमरा। सबसे पहले इनकी फोटो लीजिए। कार च सवार औरत ने जख्मी हालत च सारी कहानी बयान की है। मोहित शर्मा गंदे का जूस पीने के लिए साइड पर गाड़ी लगाई हमने, हम रुके हुए थे। एकदम से पता नहीं क्या हुआ और पूरी गाड़ी घूम गई, पूरी टूट गई गाड़ी। मेरी ये छोटी वाली बेटी बाहर सड़क पर गिरी थी जब मैंने देखा, और बड़ी वाली बेटी पीछे हो गई थी, पूरा उसका ब्लड ही ब्लड। और हस्बैंड भी गिरे पड़े थे सीट पे, आगे से सब टूटा था, पीछे से गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? किससे हुई थी टक्कर आपकी? कोई गाड़ी वाला मार गया। मुझे उस वक्त तो कुछ नहीं पता लगा, लेकिन जब एम्बुलेंस में ला रहे थे तो एक गाड़ी को बहुत से लोगों ने घेरा हुआ था और बोल रहे थे कि इस गाड़ी ने मारा है, इस गाड़ी ने मारा है। पर मेन हाईवे की बात है, ये कहाँ की बात है? मेन हाईवे, शायद इस हॉस्पिटल से 6 किलोमीटर पीछे दिल्ली से आ रहे थे ना, शाहपुर में छोंडा साइड, मतलब पता नहीं क्या जगह थी। NH1 हाईवे की बात बता रही हूँ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर देती है। ये जी वहाँ पे गाड़ी में थी, पुलिस वालों ने कोशिश करी है चलो आराम से, जब हम गए हैं ये अंदर गाड़ी में थी, वहाँ पे आसपास पब्लिक बहुत थी जी इनके पास में, उन्होंने मारा भी होगा इनको। यहाँ पे जैसे निशान बन रहे हैं इनके, जैसे दोनों लड़कियों के पब्लिक वालों की मारपीट से, तो हमने मुश्किल से गाड़ी से तार के और अपनी गाड़ी मुश्किल से बिठाई है। सारे रास्ते हमारे साथ, ये मेरी नेम प्लेट तोड़ ली है, मैडम के बाल पकड़ के पाड़ लिए, मेरे भी सी, ये नाखून मारे इन्होंने हाथों पे, ये देखो सर बड़ी बदतमीजी की है जिन्होंने आते टाइम भी, यहाँ आके भी नहीं उतरी हैं। अब कह रही बाथरूम जाना है, वॉशरूम, वहाँ पे जाके भी इन्होंने बड़ी बदतमीजी करी बैक रूम में जी। मामला क्या हुआ, किस तरह क्या हुआ है? देखो जी पूरा मामले का हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि हम वहाँ से लेके, हाँ वहाँ से लेके आ गए, इनके अंदर पूरी बदबू आ रही है शराब पी रखी है लड़की ने। ये आज GT रोड पे दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए एक रेंज रोवर गाड़ी, मुरगामा नंबर की, और जिसने एक हिमाचल की गाड़ी थी जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे ट्रैवल कर रहे थे पालमपुर की तरफ। उनका फुल स्पीड में, शायद नशे की हालत में लग रही थी लड़की, एक्सीडेंट हुआ। इसमें एक ड्राइवर थे दूसरी गाड़ी के, उसकी डेथ हो गई, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया। लड़कियां जो सड़क पर ड्राइव कर रही थी उनका भी मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसका मेडिकल से ही पुष्टि होगी। हमारी एक मुलाजिम से उन्होंने हाथापाई की है, जो हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल है, इसका हम एक्शन लेंगे। तो जिस गाड़ी में डेथ हुई है उसमें फैमिली थी पूरी, 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, इस गाड़ी में 2 लड़कियाँ थी। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम nayabtehsildar.com। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।